उत्तराखंड पुलिस समय समय पर आमजन को फेक हेलीकॉप्टर वेबसाइट के नाम पर हो रहे स्कैम के खिलाफ जागरूक करती रहती है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसी वेबसाइट के जाल में फंस जाते हैं और फंसने के बाद पुलिस को शिकायत करते हैं। देखिए, उत्तराखंड में केदारनाथ जी की यात्रा को लेकर के हेली टिकट्स के फ्रॉड हमारे सामने आ रहे थे। हमने इसके केसेस को रजिस्टर किया और विवेचना एसटीएफ को ट्रांसफ़र की। तो हमारे एसटीएफ के साइबर क्राइम थाने ने जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन किया और एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है नालंदा और नवादा बिहार से। उसमें गैंग लीडर नीरज कुमार आइडेंटिफाई हुआ है और इनके पास से बहुत सारे मोबाइल, सिम कार्ड, आधार कार्ड फर्जी सब मिले हैं। और इनके खिलाफ पूरे जब इन मोबाइलों को, आधार कार्ड का और सिम कार्ड का पूरा एनालिसिस किया गया तो देश भर में इनके खिलाफ 6100 शिकायतें हैं और 280 FIR दर्ज पाई गई हैं। जो सरगना है ये पहले भी 2021 में जयपुर जेल में गया था जयपुर से, और बेल पे आकर के फिर से इन्हीं सब क्राइम में लगा है। इस बार हम इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे, इनकी प्रॉपर्टियां जब्त करेंगे और जो दूसरे प्रदेशों में जो इनके खिलाफ अपराध दर्ज हैं उसमें उनके डीजीपी को भी चिट्ठियां लिखेंगे जिससे ये वहां के अपराध में भी ये बुक किए जा सके। इसी कड़ी में उत्तराखंड पुलिस ने देश के एक ऐसे ही बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। साइबर क्राइम थाना देहरादून ने नवादा, नालंदा, बिहार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों से रिकवरी में 15 मोबाइल, 9 सिम कार्ड, 9 ATM, 1 POS ATM मशीन, 6 आधार कार्ड, 3 पासबुक और 1 टैबलेट मिला है। नीरज कुमार का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है, वह 2021 में भी जेल जयपुर जा चुका है। इस गिरोह के खिलाफ पूरे देश आए लगभग 6100 शिकायतें और लगभग 280 FIR थी। उत्तराखंड में इसके खिलाफ 5 FIR थी जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा संबंधित सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखकर अभियुक्तों के विरुद्ध और कड़ी कार्रवाई करने हेतु भी अनुरोध किया जा रहा है। ये गैंग अलग अलग साइबर अपराधों में शामिल हैं, जैसे फर्जी वेबसाइट, फर्जी लोन साइट, फर्जी फाइनेंस कंपनियां, सेक्सटॉर्शन आदि। उत्तराखंड पुलिस जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन घोटालों का पर्दाफाश करने के साथ ही उत्तराखंड पुलिस महिला और बाल सुरक्षा को लेकर भी प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करते हुए स्मार्ट पुलिसिंग उत्तराखंड पुलिस अपने ऐप के माध्यम से गौरा शक्ति सुविधा प्रदान कर रही है, जहां 1.2 लाख से अधिक महिलाओं ने अपना पंजीकरण कराया है। उत्तराखंड में हमने केदारनाथ जी के नाम पर हेली टिकट के फ्रॉड को पकड़ा है। इस साल भी एक गैंग पकड़ा है नवादा और नालंदा बिहार से। इसमें बेसिक कुछ टिप्स हैं। हम लोग किसी भी अननोन वेबसाइट से टिकटें खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमारे केदारनाथ जी के लिए IRCTC की ऑथराइज वेबसाइट है, ऐसे ही वैष्णो देवी के लिए एक ऑथराइज वेबसाइट है। इन सब की जानकारी करिए तभी जा कर के टिकटें खरीदिए। कई बारी फ्रॉडस्टर्स जो हैं अपनी अलग से वेबसाइट pavanhans.com इस तरह के नाम से वेबसाइट बना ले रहे हैं, उसको भी वेरीफाई करे बिना टिकटें मत खरीदिए। कुछ लोग जो है जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जैसे makemytrip.com आदि, उनके मिलती जुलती वेबसाइट बना लेंगे, बीच में डॉट वगैरह डाल के, अंडरस्कोर डाल के। उससे भी सतर्क रहिए। आप लोगों को जो वेबसाइट का नाम है उसको नोट करिए, उसको इंडिपेंडेंटली गूगल पे डालिए, फिर सर्च करिए, तब आपको उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि उसकी क्या रेटिंग है, क्या वो रियल में एग्जिस्ट करती हैं नहीं है, क्या उसके रिव्यूज हैं, उसमें कस्टमर केयर नंबर वगैरह दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो ये सारी बातें जब हम देख करके चलेंगे, सतर्क रहेंगे, तो हम इनके जाल से बच पाएंगे। इसी तरह से जो वेबसाइट है वो हमेशा सिक्योर डोमेन से लीजिए, HTTPS। जो अनसिक्योर है वो HTTP नाम से शुरू होती हैं, जबकि सिक्योर वेबसाइट HTTPS से शुरू होती हैं।
तो कृपया करके आप अगर आप सतर्क रहेंगे, ये मान के चलेंगे कि हो सकता है आपके साथ धोखाधड़ी हो रही हो, तो आप ज़रूर वेरीफाई कर लेंगे। और वेरीफाई जब करेंगे तो आप, और बहुत सारे तरीके हैं वेरीफाई करने के, आप लोगों से भी पूछ सकते हैं, आप आधिकारिक जो जिसका काम है जैसे उत्तराखंड टूरिज्म या जम्मू कश्मीर टूरिज्म, तो उनसे भी पूछ, वहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसका ऑथराइज तरीका क्या है। तो इस तरह से वेरीफाई करे बिना इस तरह का कोई भी पेमेंट मत करिए। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा को प्रतिबद्ध उत्तराखंड पुलिस।